गेम खत्म। इस बंदे के सबसे छह छह आ रहे थे। इधर आगे इसको कैसे दिखाएं साईं जी? ये निकल आएगा बाहर, बड़ा हरामी बटेरा। एक मिनट थोड़ा सा कैमरा डाल के ना अंदर। ओ ये भाई गाइस, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग भाई बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम बना रहे हैं फूड चैलेंज और वो हमने रिकॉर्ड करना है रात में, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मैं पिज़्ज़ा चैलेंज है, आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। तो भाई इस चैलेंज के लिए हमें चाहिए एक डाइस, मतलब कि एक छक्का, जो लूडो वाला छक्का होता है, लेकिन छोटा छक्का नहीं, हमें चाहिए बड़ा छक्का। अगर वो मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर छोटे छक्के से हम काम चलाएंगे क्योंकि वो तो हमारे पास पड़े हैं। तो भाई ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास किस्म का फूड ब्लॉग है और इसमें फूड चैलेंज होने वाला है, तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसमें हमारे साथ है चार लोग, मैं, अब्दुल्ला, मिनहाल और अहमद, हम चार लोग हैं। और जनान भाई शायद हमारे साथ शामिल हो जाएँ, तो वो शामिल होंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि उनको तंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। भाई कल मैं एक ख़ातून के यहाँ गया जहाँ काम हो रहा था, तो वहाँ पे जाते ही जब मैंने बाइक अपना नीचे खड़ा किया तो ये हेलमेट का जो है ना शीशा वहाँ पे टूट गया। ये नीचे गिरा और इसका शीशा टूट गया। तो कल तो मैंने चेंज नहीं करवाया, मैंने कहा भाई आज चेंज नहीं करवाते, मतलब करवाने का इरादा था लेकिन टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा सोचा कि यार अभी जो है ना निकल के पहले ये भी चेंज करवा लूँ क्योंकि इसके बगैर जो है ना बाइक चलता नहीं है। मतलब क्या, मैं जब चला रहा था तो ये आगे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आगे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा था, बार बार तंग बड़ा कर रहा था। और हेलमेट कितने का आ रहा है? हेलमेट तो आप स्क्रैचेज ही बहुत बड़े हुए थे उससे। हेलमेट का शीशा चेंज होने से लाइफ इतनी स्मूथ हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब कि 2 साल से मैं इसका शीशा चेंज करवाने के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन मैं नहीं करवा रहा था। लेकिन आज 250 रुपये लगाने के बाद मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है, मतलब कितना क्लियर हो गया, शीशा चकास हो गया है। तो यार ये तो खैर, और दूसरी वजह ये, हाँ दूसरी बात ये कि मैं ब्लॉग तो बना रहा था लेकिन फेसबुक पे हम वीडियोस नहीं बना रहे थे। उसकी वजह ये कि मेरी आंखें ख़राब थीं और उसकी वजह से हम डेरे पे भी नहीं जा रहे थे। तो आज भैया अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आंखें ठीक हो गई हैं, मस्त हो गई हैं, एकदम हमें साफ नज़र आ रहा है। ख़राब होने के बाद मतलब कि हम क्या अच्छी चीज़ें नहीं देख रहे थे, हम अच्छी चीज़ें देख रहे थे। तो भाई आंखें ख़राब होने के बाद एकदम अब बिल्कुल क्लियर जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। तो भाई आज का जो चैलेंज है ना वो बहुत मज़े का होने वाला है। तो होने वाला है, बस गप्पे ही करनी के होने वाला है, तो भाई होगा तो पता चलेगा ना कैसे। भाई नहीं, ज़्यादा नहीं मांगे जाएंगे। तो भाई मैंने छक्का लिया कोई और था लेकिन दिखा मैं ये रहा हूँ। मैंने आपके साथ भी स्कीम की है। भाई अहमद हमारे साथ है नहीं, आ रहे हैं जनान भाई, जिनका हम इंतजार कर रहे थे। जनान भाई होने चाहिए, तो जनान भाई हैं, फाइनली हैं। तो आज जनान भाई को हम हराएंगे। आपको कुछ नहीं मिलने वाला जनान भाई, टेंशन ना लें आप। और अगर सारे मेरे हुए फिर अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह करे, कोई तौबा करे, आपको पता मैं सारे खा भी जाऊंगा। आपने इसमें समझाना क्या रह गया बाकी? पान अफजल अली खुशबू है। चलो शुरू कर दी। मैं बता रहा हूँ बारी मेरी होगी। भाई बात यह है कि सबसे पहले जो है ना बारी जो भी करेगा, जिसका जो नंबर आएगा उसके उतने स्लाइस हो जाएंगे, उसे वो बोलना पड़ेगा। अच्छा अगर 6 आ गया तो एक बारी और मिलेगी? नहीं, बारी नहीं मिलेगी। 6 बारी सड़ी है, बारी बस वो एक ही है बारी, मतलब जो आपने वो कर दिया तो वो ठीक है। और हमने स्टार्ट करने 3 2 1 स्टार्ट, ठीक है? सबने वो जल्दी जल्दी जो भी ना डन, ठीक है। राज मैं वॉच नहीं लाया, मेरी वीडियो अब ये 3 2 1 स्टार्ट मेरे हाथ में, तो मैं ही स्टार्ट करूंगा यार। अली भाई ये बात गलत है, दूसरा नंबर आपका ठीक है, डन डन, इतना भी मंजूर है। 3 2 1 स्टार्ट। नंबर तो बताया नहीं आपने। 3 2 1 स्टार्ट। 1 4 5 वजन 6 नहीं लाते। कल आ जाए हम 6 जल्दी कर, सुबह पनवेल निकल। ये इतनी लालच भी अच्छी नहीं होती। बड़े आप बने थे। ये प्लेट बारिश आ गई। 2 पहले बताना है। 2 ले भाई अहमद, तेरा लगता है कुछ निकलेगा। 3 तो फिर 3 घुमा के 3 होता है, ऐसे नहीं होता 3। भाई 2 नंबर है भाई। अब्दुल्ला की बारी। ओए 3 आ गए। 3 आ गए। जनान भाई यार लाइन में लगो सारे। सर 6 3। गाइस ये मेरा 3 आ चुका है। अब यार मैं सोचता हूँ तब तक आप लोगों ने क्या करना है। भाई आपकी बारी गई। ये पेट में दर्द होगा। एक ऐसे नहीं आता भाई, ये देखो 2 आता है ऐसे। अब मेरी बारी आनी है खत्म। ओए 3 कह देना चाहिए था यार। दिनान भाई आप इतने मजे के दिनान भाई 1 2 3 4 5 अब 6 बोलें। अब बोले 6 सर 3। अब बोले 6। गाइस पिज़्ज़ा बहुत अच्छा। अगर 6 आया तो फिर अब्दुल्ला का पीस भी वापस मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, भूख बहुत लग रही है यार। ओए चलो भाई जल्दी 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 यार, जल्दी यार। एक सेकंड रुको जरा। खाने की क्या ही बात है, पिज़्ज़ा बहुत मजेगा। बारी मिस। तुम 3 दिन बाद आना अब यार। 3 इधर दिखा भाई प्लेट दिखा। जनान की चक्कर। जल्दी अब कितने रह गए अपने पास यार। चलो अब 1 और 2 वाला तुम्हारा सीन है भाई। आधा तो रखो। 2 चलो 2। ओ यार बारी मिस है। पिज़्ज़े की तो क्या ही बात है। कर भाई करो भाई। अहमद आपकी बारी। कर भाई, वो खा लेंगे सारा। मैं तो खाने लगा हूँ। ये भाई सिर्फ स्लाइस बचे हैं 2 और इधर आ रहे किसी बात पे ये 2 में से 1 स्लाइस हमारे कैमरामैन का, ठीक है ना, जो बिहाइंड द कैमरा डीओपी प्रोड्यूसर हमारा। अच्छा खाने दो उनको। नंबर बताएं। 1 या 2 में कहानी है। अब 1 अब आए ना आप लाइन पे। चलो भाई चलो। 1 अरे टुनटुना। बारी मिस 2 बोल जो। गेम खत्म। ओ भाई खत्म भाई। छुट्टी भाई। हम तीनों हैं भाई। हम हैं भाई। इस बंदे के सबसे ज्यादा 6 आ रहे थे। इधर आगे देखो सबसे ज्यादा 6 आ रहे थे। अभी लेके जरा पिज़्ज़ा पकड़ाओ सबको। 1 स्लाइस पकड़ाओ यार। 1 स्लाइस उठाओ ना। सिर्फ उठाना है। ओके भाई। तो भाई ये दोनों तो हो गए फारिग, मिनहाल और जनान। तो भाई आज का चैलेंज तो हमारा हो गया कंप्लीट, जिसमें ये बंदा रह गया यार मिनहाल। कोई बात नहीं, क्या हुआ मिनहाल और जनान भाई तो बहुत बोर रहे थे पहले। बहुत बोर रहे थे जनान भाई। तो इंग्लिश सिस्टम क्यूट से अंडे हमारी मुर्गियां देना शुरू कर दी। ठीक है, क्या बात है। निकलेंगे क्यूट से चूजे। इनको हाथ नहीं लगाते फिर मेरे ख्याल से। नहीं, इनको हाथ नहीं लगाते। जब आपने अंडे बच्चे निकाले लेके हमने इधर रख दिए हैं, हमने उसके बाद नहीं छेड़े। और हाथ लगा सकते हैं, इतना नहीं होता, वरना मुर्गी दोबारा अंडा उसमें पता नहीं देती है। नहीं है लगा सकते हैं। लेकिन यार बहरहाल जनान भाई बहुत अफसोस हुआ है कि यार आप किस्मत कहते हैं। आप बड़ा बोर रहते हैं, जैसे कि सारे कह रहे थे ना कि जितने अभी आ रहे हैं बाद में कैंसिल होगा। वो काली जुबान लगी है किसी ना किसी की मुझे बस। हाँ यार, एक और ज़रूरी बात कि जनान भाई ने आज एक कारनामा सर अंजाम दिया है, वो दिखाना तो हम भूल गए हैं। यार वो जनान भाई ने आज बटेरा पकड़ा है। वो यार एक कहावत है, अंधे के हाथ बटेरा। हाँ वही वाली, अंधे के हाथ बटेरा। पता नहीं लगा कैसे हमें, तो ये समझ नहीं आ रही। अब गए जो बटेरा है इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर है बटेरा भाई। वो विंडो भी तो खुली है भाई, उधर से भी तो निकल सकते हैं। कोई कीड़े ये वो वाले सीवी वाले कीड़े हैं मेरे ख्याल से। सीवी लगी भी होगी इसको, मट्टी वाली। ये तो अंदर और अच्छी सीवी आ जाएगी। मट्टी वाली सीवी है वो है। हां ये बटेरा खा जाता है। बटेरा खा जाएगा। बटेरा पहले उड़ जाएगा। अब इसको कैसे बटेरा नहीं उड़ता, खोल नहीं जाएगा। ओ पकड़ा नहीं आना फिर। सीवी वाले कीड़े मेरे ऊपर भी आ रहे। इसको कैसे दिखाएं साईं जी, ये निकल आएगा बाहर। बड़ा हरामी बटेरा। एक मिनट थोड़ा सा कैमरा डाल के ना अंदर। ओ ये भाई गाइस उस तरह से दिखाएं जी। ये बैठा है ये जी बटेरा हमारे पास। ये आया नजर, क्या बात है। ये बटेरा भाई आज जनान भाई के हाथ लगा। कल इसके साथ के और 10-12 कल इसके साथ बना के खाएंगे। कल है हमारी यहाँ पे दावत। क्या ये बात है, दूर से डडू, यहाँ से डडू भी लग रहा है। बैठा मजे से चिल्मा हॉल में बैठा भाई। एक बटेरा आया अपने साथ, बाकियों की किस्मत भी चमका के लाया। तो कल जब आएंगे फिर उनके साथ करेंगे पार्टी सीन। जनान भाई आपका बटेरा बड़े मजे से बैठा है, आपको मिस कर रहा है। सो भाई काफ़ी एंजॉय हो गया और व्लॉग बड़ा मज़े का बना है, चैलेंज बड़ा मज़े का था। सो मिलते हैं भाई कल, और कल हम करेंगे बटेरों दावत, मतलब कि अपनी दावत बटेरों से। सो टेक केयर, बाय। आपके मुंह में पानी लाने के लिए